बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। हम जी हम बेटा परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में डिसीजन मेकिंग अंडर रिस्क एंड अनसर्टेनिटी की प्रैक्टिस कर रहे हैं। अभी का जो टॉपिक है वो क्वेश्चन है डिसीजन ट्री का, और इसमें डिसीजन ट्री भी आप अच्छी तरह लर्न कर सकते हो, और इसमें इसके अलावा वैल्यू ऑफ परफेक्ट इंफॉर्मेशन उसको भी अच्छी तरह लर्न कर सकते हैं। कहता है यहाँ पे यूजिंग द क्राइटेरिया ऑफ एक्सपेक्टेड वैल्यू प्रिपेयर्ड एंड फुल्ली लेबल ए डिसीजन ट्री। डिसीजन ट्री प्रिपेयर करें और उसे लेबल करें। शो द टू ऑप्शन अवेलेबल टू जीपी। रिकमेंड द डिसीजन दैट जीपी शुड मेक। कोई मुश्किल बात नहीं होती, डिसीजन ट्री बेटा क्वेश्चन आ जाए तो सबसे आसान है। जिम बनीज इज हेल्थ क्लब, इट करंटली हैज 6000 मेंबर with each member paying a subscription fee of 720 per annum. The club is comprised of gym, a swimming pool and small exercise studio. 720 बेटा उसकी सेल प्राइस है, क्योंकि सब्सक्रिप्शन प्राइस जिम है ना, तो वो बेटा प्रोडक्ट सेल तो नहीं कर रहा, फी लेगा ना, जैसे एजुकेशन इंस्टीट्यूट फी लेते हैं। द कंपेटिटर कंपनी इज ऑपरेटिंग ए न्यू जिम इन जीपी लोकल एरिया and this is expected to cause a fall in GB membership number unless GB can improve on facility. Competitor ने attack कर दिया local area पे, membership कम होने का खतरा है। Consequently, GB is considering whether or not, decision क्या है, whether or not to expand exercise studio. Expansion करे या ना करे। In a hope to improve its membership number, any improvement are expected to last for 3 year. Option 1 and no expansion karo hi na. In this case membership number would be expected to fall 5 to 50. dekhen beta maine kaha tha aapse ki decision tree left to right banta hai, ek rectangular shape hoti hai, ise decision point kehte hain. decision hai ki hum point kya hai ki no expansion, kyunki usne label karne ka bhi kaha hai na. नो एक्सपेंशन की सूरत में होगा क्या, मेंबरशिप वुड बी एक्सपेक्टेड टू फॉल टू 5 to 50. इसमें डिसीजन पॉइंट के बाद बेटा एक सर्कल बनता होता है, इसे आउटकम पॉइंट कहते हैं, कि वहां से नंबर ऑफ मेंबर जो है वो 5 to 50 रह जाएंगे, और पर एनम फॉर नेक्स्ट 3 ईयर, तीन साल को जहन में रखना, ये काम आएगा। ऑपरेशनल कास्ट वुड स्टे एट देयर करंट लेवल 80. कास्ट 80 रहेगी बेटा, प्राइस 720, अगर कास्ट 80 है, देखिए प्राइस 720 है, कास्ट अगर 80 है तो इसका मतलब ये 046, प्रॉफिट क्या रहेगा 640. 720 माइनस 80 एक मरतबा रिकेलकुलेट भी कर लेते हैं, 640. ऑप्शन 2 है एक्सपैंड द एक्सरसाइज स्टूडियो। ऑप्शन 2 डिसीजन पॉइंट से एक्सपैंड कर दें, कर दिया जी। द कैपिटल कास्ट दिस वुड बी 360. कैपिटल कास्ट 360 है, यानी इन्वेस्टमेंट कास्ट वन टाइम लगेगी, जबकि डिसीजन 3 ईयर का है। द एक्सपेक्टेड प्रॉफिट ऑन मेंबर इफेक्ट, द एक्सपेक्टेड इफेक्ट ऑन मेंबरशिप नंबर फॉर द नेक्स्ट 3 एज फॉलो, रिमेन 6000 और 6500. आउटकम क्या आएगा, ये 6000 भी हो सकते हैं और 6500 भी, 6000 मेंबर भी हो सकते हैं और 6500 भी. 0.4 और 0.6, 6000 के 0.4 चांस है और इसके 0.6. द इफेक्ट ऑन ऑपरेशनल कास्ट, कास्ट भी बेटा कम या ज्यादा, 120 भी हो सकती है, 180 भी, यानी 120 कास्ट मेंबर 6000 और 180. अगर 120 कास्ट होगी तो बेटा 720 क्योंकि सेल प्राइस है तो 600 प्रॉफिट हो जाएगा, और अगर 180 हुई तो 720 180, तो मेरा ख्याल ये 540 प्रॉफिट हो जाएगा, और इन दोनों के चांसेस क्या, 0.5 और 0.5, 0.5 इसके चांस है, 0.5 इसके चांस है, और चाहे 6500 हो
तभी तो बेटा कास्ट यानी प्रॉफिट फिर 600 यानी कास्ट 120 हो सकती है या 540 प्रॉफिट हो सकता है यानी 180। यानी दोनों जगह कैलकुलेशन सेम है, 720 माइनस 120 या 720 माइनस 180। 720 माइनस 120, 720 माइनस 180, 540। ठीक है, दोनों जगह चांस क्या है, 0.5 0.5। बेटा ये डिसीजन ट्री बन गया। डिसीजन ट्री बनने की बात है, आपकी बेटा मोजे लग गई। मैंने कहा था कि ड्रा होगा ये लेफ्ट टू राइट, कैलकुलेट होगा ये राइट टू लेफ्ट। जो आउटकम पॉइंट है वहां पे एक्सपेक्टेड वैल्यू आएगी और जो डिसीजन पॉइंट है वहां पे सिलेक्शन आएगी। बहुत आसानी से देखें, 600 प्रॉफिट हो सकता है, उसके चांसेस हैं 0.5, और 540 भी हो सकता है, उसके भी चांसेस 0.5 हैं। तो 300 और 270, 570 प्रॉफिट आपका हो सकता है। ठीक, एक्सपेक्टेड वैल्यू बेटा, एक्सपेक्टेड वैल्यू इधर भी 600, 0.5 और 540 सेम है, तो वही 570 प्रॉफिट। 570 प्रॉफिट पे 6000 भी मेंबर हो सकते हैं, 570 पे 65 भी, यानी 6000 मेंबर या 6500 मेंबर। प्राइस कितनी, प्रॉफिट कितना, 570 या 570, 570 प्रॉफिट 65, 570 प्रॉफिट 6000 मेंबर। चलें बेटा हम इसको कैलकुलेट करके देख लेते हैं। 6000, 570, ये बन गया जी 3420000, 3.42 मिलियन। अगर मिलियन का शौक है आपको, 6500, 570, 3705000। बेटा मैं 1000 राउंड कर लेता हूँ, इधर 3420, इधर 3705। एग्जामिनर ने मिलियन में किया, मैं 1000 में कर देता हूँ आपको। ठीक, अब ये 3420 अगर 6000 हुए और उसके चांस कितने बेटा, 0.4। हमें एक्सपेक्टेड वैल्यू चाहिए ना 0.4, और 6500 0.6, 6500 पे 0.6, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू वही के प्रॉफिट को एक्सपेक्टेशन से मल्टीप्लाई करके एग्रीगेट कर लें, तो कोई मसला नहीं। 3420 मल्टीप्लाई 0.4, 1368, और इस तरह 3750 मल्टीप्लाई 0.6, 2250, और ये दोनों को एग्रीगेट करें, ऐड करें, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू आ जाएगी 1368, 3618, 3618 बेटा एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ प्रॉफिट आ गई 3618। अब ये 3618 बेटा, आप सियाने लोग हैं, ये 3 ईयर आना है, कितने साल आना है, मल्टीप्लाई 3, ये आना 10854, 3 ईयर, 3 ईयर आएगा। तो 360 उसमें से इन्वेस्टमेंट कास्ट है, ये पर एनम नहीं है, वन टाइम है। 10854 माइनस 360000, 10494। यहां से आप यहां तक आए तो 10494, और दूसरी तरफ क्या हुआ, 640 का प्रॉफिट है और 5250 मेंबर है। 640 का प्रॉफिट है, 5250 मेंबर है, तो ये 3360000 मैंने यहां से भी राउंड कर दिया। तो ये आपकी एक्सपेक्टेड वैल्यू 3360000, और 3 ईयर का क्यों गए है,
मल्टीप्लाई 3 कर दिया, 3 साल है ना, 3360 ज़रब 3, ये 10080 मेरे हिसाब से। तो इसका मतलब ये कि इधर बेटर सिलेक्शन करनी होती है, एक तरफ 10,080 प्रॉफिट आ रहा है, एक तरफ 10,494, तो हम इसका मतलब एक्सपेंशन कर लेंगे। ये एक्सपेंशन का डिसीजन हो गया बेटा, यहाँ पे कैलकुलेशन में कोई गलती हो जाए तो प्लीज माफ कर देना, दिल में गाली ना निकालना, आपकी मेहरबानी, कैलकुलेशन करना मेरी काम नहीं, वो कैलकुलेटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वहां पर कहीं पे भी हाथ थोड़ा सा भी गलत लग गया किसी बटन को तो बेटा ऊपर नीचे हो जाता है, कॉन्सेप्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। वहां पे कोई इशू होगा तो बेटा चाहे गिरबान से पकड़ लेना, खैर है, वहां पे मुझे कोई इशू नहीं होता। ठीक, अब ये कि यहाँ पे आपने कर लिया, इसको डिसाइड कर दिया कि जी लॉन्च में मतलब एक्सपेंशन करें, बाकी उसने कहा कैलकुलेट द मैक्सिमम प्राइस दैट जीबी शुड पे फॉर परफेक्ट इंफॉर्मेशन। तो बेटा ये परफेक्ट इंफॉर्मेशन की मैक्सिमम प्राइस क्या होती है, जो आपने डिसाइड किया हो उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू कितनी है, 10,494। जो डिसाइड आपने किया दोबारा रिकैलकुलेट कर लेते हैं, 1,368 प्लस 2,250 मल्टीप्लाई 3 माइनस 360, 10,494। जो डिसाइड किया उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू 10,494 है, और हम देखते थे बेस्ट, क्योंकि दो ही ऑप्शन है हमारे पास, बेस्ट ऑप्शन वैल्यू क्या है, ऑप्शन नंबर 1 है और ऑप्शन नंबर क्या है, 2 है। ऑप्शन नंबर 1 में हमें प्रॉफिट आता है, हम अगर उसको देखें तो वो आता है कि 10,080 का, और ऑप्शन नंबर 2 में एक चांसेस, इसको पर एनम भी कर सकते हैं लेकिन बहरहाल इसी तरह 3 ईयर पे करते हैं। ऑप्शन नंबर 1 है, 2 में हमारे पास डबल है, 1.4 चांसेस है, 1.6 चांसेस है, हमारे पास एक चांसेस 0.4 है और 1.6 है। 0.4 में चांसेस में हमारे पास 0.4 चांसेस में क्या है, 3,420 प्रॉफिट होगा, 3,420, और 3 ईयर का ये प्रॉफिट हो जाएगा कितना, 3,420 मल्टीप्लाई 3, 10,260, और इसमें से 360 बेटा कास्ट है, तो ये 9,90 मेरा ख्याल है, 360। ये ऑप्शन नंबर 1 है, ऑप्शन नंबर 2 में एक चॉइस है 9,90 की। अगर कट्ठा देखा जाए 3 साल को, और ऑप्शन नंबर 2 क्या है, 3,705.6 के चांसेस पे है ना, 3 ईयर आएगा, 3,705 3 ईयर, और 360 कास्ट होगी, 11,115 माइनस 360, 10,0755, 10,0075। ऑप्शन नंबर 1 को फिर चेक कर लेते हैं कि वो क्या है, 3,360। ठीक, 3,360 3 सालों का 10,080। तो यहां पे देखें बेटा, 0.4 पे बेस्ट 99 है कि 10,080, 10,080, और 0.6 पे ये बेस्ट है कि ये, इसमें भी ये बेस्ट है, इसका मतलब बेस्ट वैल्यू कितनी है, 10,080।
इन दोनों का जो डिफरेंस होता है उसे वैल्यू ऑफ परफेक्ट इंफॉर्मेशन कहते हैं। कैलकुलेशन एरर अगर बेटा कहीं पे हो तो वो माफ कर देना कि हर चीज में 0.4 पे भी बेस्ट ले लेते हैं और 0.6 पे भी बेस्ट ले लेते हैं और उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू निकाल लेते हैं कि 10,080 की भी 0.4 और 10,080 की 0.6, वो 10,000 वही बनेगी अगेन 10,080, उसको ले लेंगे। पर एनम में भी कर सकते हैं, वैल्यू ऑफ परफेक्ट इंफॉर्मेशन पर एनम में भी आप डिसाइड कर सकते हैं, टोटल में भी डिसाइड कर सकते हैं। मैंने टोटल में किया, एग्जामिनर ने मेरे ख्याल पर एनम में किया, जैसे भी है। तो बेटा ये होता है कि वैसे ऑप्शन क्या है, और अगर परफेक्ट इंफॉर्मेशन हो तो हम परफेक्ट डिसीजन करें देन ऑप्शन, मतलब उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या है, इन दोनों का गैप वैल्यू ऑफ परफेक्ट इंफॉर्मेशन। बाकी बातें आपसे बाद में।